आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहां रविवार को हुई बारिश और तेज हवाओं ने किसानों का सुखचैन छीन लिया है। तमाम लोगों के गेहूं भी भीग जाने के कारण काफी नुकसान हुआ है। वहीं थाना मलावन क्षेत्र के ग्राम छचेना में एक बालिका पर आकाशीय बिजली भी गिर गई, जिससे वह घायल हो गई। घायल बालिका को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। किसानों की कुछ फसल कटने को है और कुछ कटकर खेत में रखी है, जिसके भीग जाने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पत्रकार दीपक दीक्षित ने जाना किसानों का हाल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। इस समय मैं मौजूद हूँ खेतों के मध्य। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आज बरसात हुई है, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। धनिया की फसल यहाँ पर खड़ी हुई है, ये भी गिर चुकी है। और आप पीछे देखेंगे मेरे गेहूं की फसल रखी हुई है। आइए बात करते हैं किसान से, क्या कहते हैं। आज जो बारिश हुई है, उस बारिश से क्या प्रभाव पड़ा है फसल पर? आज जो बारिश हुई है, उससे प्रभाव ये पड़ा है कि फसलें जो है हवा के वेग से, तेज़ी से, बरसात से गिर गई हैं। और ये सामने दिखाई दे रहे हैं खलिहान, कम से कम एक एक छः छः इंच जो है पानी पड़ गया है, मतलब ज़मीन पर। और ये गेहूं जो है ख़राब काफ़ी हो गया है। ये जो आपके पीछे ये फसल है, ये कौन सी फसल है? ये धनिया है। इस पर भी कोई प्रभाव पड़ा है? इस पर ये सारा गिर गया, अब इसमें क्या होगा? पैदावार कम होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। स्टॉप। आज जिस प्रकार से असमय मौसम खराब हुआ है, इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है? 90% सारा गल्ला कटा पड़ा है, कुटने के लिए भागी है। किसान तो तबाह हो जाएगा, 8 दिन यही हाल रहा। तो गेहूं की फसल में नुकसान की संभावना ज़्यादा है या अब आने के लिए जो बोई जाएंगी उनमें? संभावना नुकसान की ज़्यादा है अब मौसम खराब होने से। जी, इससे बुआई पर ही फर्क पड़ेगा? जैसे अब मूंग की, बाजरे की बुआई जो की जाएगी, उसको फर्क पड़ेगा? तो लास्ट हो गई, अब मूंग की बुआई अब कहाँ रखी है, आज 26 अप्रैल हो गई। क्या नाम है आपका? सुखवीर। सुखवीर, सुखवीर जी, आप एक किसान हैं? हाँ, किसान हैं। तो आज जो बेमौसम बरसात हो गई है, इससे कितना नुकसान हुआ है? इससे हमारा 40 बीघा गेहूँ ऐसा ही पड़ा लगा है, अल्लाह कुट नहीं पाया, सारा खराब हो रहा है। लगभग कितने रुपए का नुकसान? लगभग कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान है। आज जो बारिश के साथ हवाएं भी तेज तेज चली, उन तेज हवाओं से भी कोई फर्क पड़ा है? तेज हवाओं से जो खड़ी फसल है वो गिर गई है जी। तो आपने कुल कितना गेहूँ किया इस बार? हमने 40-42 बीघा गेहूँ किया था। तो उसके आधार पर नुकसान लगभग 2-2.5 लाख रुपए हैं। और क्या, खुद नहीं पाया बिल्कुल। खेतों में पानी भर गया है? खेतों में पानी भर गया। कब तक संभावना है कि ये मौसम सही होगा तो गेहूं की गुहाई हो पाएगी? कम से कम 15 दिन लग जाएंगे इसमें। सो आज जो बरसात हुई है, इससे किसानों को क्या नुकसान क्या फ़ायदा है? किसानों को फसल का तो जो है कम से कम 50% का नुकसान है, और कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, और जो फसल हैं उनके लिए फ़ायदा है। अभी जैसे किसानों की कुछ फसलें खड़ी हुई हैं, हमने देखा गेहूं की फसल खड़ी हुई भी है और कटने के बाद रखी हुई है, उसमें उसके बारे में जो फसल पहले की जो थी, जो मतलब काफ़ी लेट बुआई हुई है, जिसकी पहले बरसात की वजह से वो फसल खड़ी हुई है, और वो फसल अब कटने को है, और कटने पर जो है अब कटाई और रुक गई है, तो इससे मतलब किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। नमस्कार, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे पीपीडी खबर चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारी खबरें सबसे पहले पहुँचती रहें।